एक्समैन द लास्ट स्टैंड जो 2006 में आई उस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, जहाँ असल में मैंने लास्ट स्टैंड मूवी देखी और मुझे कहीं ना कहीं पसंद आई। मुझे नहीं आइडिया कि इसके बारे में बाकी सब क्यों इसको एक तरीके से हेट का शिकार कर ले रहे हैं, जहाँ ये मूवी असल में क्रिटिक्स और फैंस ने असल में इसको इस तरीके से सुन सुन के इस मूवी को एक नेगेटिव जोन में कंसिडर कर लिया, जिस वजह से मूवी आज भी अपना वजूद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकी। अगली मूवी कोशिश करती है खुद को थोड़ा डार्क फीनिक्स वगैरह के प्लॉट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम लोग उस चीज़ को कंफ्लिक्ट कंसिडर करते हो, इस वजह से तुम लोगों ने उसको कभी अप्रूव किया ही नहीं। डार्क फीनिक्स की कहानी को किसी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, वो जो प्लॉट था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी उसको अटेंशन चाहिए थी तुम्हारी तरफ से, अगर वो चीज़ चल जाती तो कहीं ना कहीं हमारे सामने करेक्टर डेवलपमेंट जीन ग्रे का और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। जहाँ हमारे पास वुल्वरीन रेडी होता है कि वो सेक्रीफाइस कर देगा जीन ग्रे का, मैग्नेटो रियलाइज़ कर लेता है अपनी खुद की गलती, और उससे आगे कहानी लेके चलो तो हमारे पास थी मिस्टेक, मिस्टेक किस तरीके से एज अ पर्सन चेंज हो जाती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जो जीन है हमारे पास इस मूवी के एंड तक, वो जब तक फीनिक्स नहीं बनती तब तक का एरा एक अलग है, एक अलग जोन में उछले होते हैं, लेकिन जब वो फीनिक्स बन जाती है तो वो किस तरीके से आउटकम निकलता है वो सब कुछ तुम्हें उस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास जो जीन ग्रे होती है वो फीनिक्स नहीं बनी होती, फिर भी उसको पता है कि एक टाइम पर उसके साथ जब कुछ होगा तो उसको ज़रूरत है कि हाँ भी उसको मारा जाए, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक म्यूटेंट हमें और देखने मिलता है जो कि होता है एंजल, जिसके ऊपर वगैरह निकलते हैं, उसके फादर भी अपनी मिस्टेक जो शुरू में वो समझ रहे होते हैं वो आगे चल के वो रियलाइज़ कर लेते हैं, और कहानी और थोड़े से अच्छे टोन में निकलनी शुरू हो जाती है। जहाँ बीस्ट का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुड किस्म का है, हर बार तुम कह सकते हो प्रोफेसर एक्स का एक अलग मोटिव हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक अलग चीज़ थी, प्रोफेसर एक्स की डेथ जो है एक सरप्राइज होता है, और कहानी और ज़्यादा बेटर वे या बेटर एक बेटर डायरेक्शन के अंदर जानी शुरू कर जाती है स्टोरी इस मूवी की। तो फाइनल फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा औसम किस्म की थी, जिसमें स्टॉर्म जो फाइनली अपना रोल प्ले कर जाती है, जो ब्रिज वाला सीन हमें देखने को मिलता है वो मार्वल्स किस्म का कहाँ है, वो तुम सीन देखते हुए बोर नहीं होते। हाँ, इस मूवी के एंड में क्या होता है कि हमारे पास वुल्वरीन ही है जो जिसमें हीलिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा है, कि वो मर मर के वो दोबारा हील करके किसी ना किसी तरीके से जीन ग्रे को मार देता है, और कहानी इससे आगे जो अगला पार्ट आता है वो हमारे पास आता है द वुल्वरीन, जिसमें वुल्वरीन जापान में जाता है, तो उससे आगे किस तरीके से उसका पास उसके सामने बार बार उसको नजर आ रहा होता है, किस तरीके के ख्वाब आ रहे होते हैं, उस मूवी का रिव्यू इस वीडियो के बाद आएगा। ये सब कुछ मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस ऐसी वीडियो देखने चैनल में और सब्सक्राइब मुझसे पसंद मिलना, मैं यहाँ मिलूंगा, तब तक देखते रहो मुझसे स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।